जैसे मानसी से विवाद जा रहे हैं तो थोड़ी ही देर में हमारे स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। हमारे शास्त्रों का मानना है कि जब भी कभी ऐसे मान हस्ती पहुंचते हैं कुछ भी हंगामा मचाते हैं। तो जिन धाम पर बैठी गई कुछ ही पल में हमारे मंत्री पहुंचने वाले हैं। जहां नहीं पहुंचते हैं रवि कभी वहां पहुंचते हैं वही भी न्यूज टू भी अम्मा।
इंजीनियर आपको। हाँ ठीक है, तो बताइए दूसरा कदम किसने रखा था? बेवकूफ है, वो जानते जाके कहे लकड़ी करते उसके बीवी ने रखा था। अब थोड़ी सी राजनीति की बात हो जाए तो बताइए आपका गवर्नमेंट कैसी चल रही है? ये गवर्नमेंट क्या होता है? सरकार देता जी, सरकार। ओ सरकार, हमारा सरकार, सरकार भाई रामों से चल रहा है जी। ठीक है नेता जी, रामों से यानी कि भगवान के भरोसे? भगवान नहीं, भगवान नहीं भाई जी, जेरा कर हमारा पीए कैसे भाई ये सब काम करते हम लोग सामने लगा अंदर की बात समझा करो। हाँ ठीक है, तो मंत्री जी ये बताइए आप डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? ये डेमोक्रेसी क्या है? गणतंत्र नेताजी, गणतंत्र। अच्छा प्रधानमंत्र भाई सुनो, जनता के द्वारा भाइयों, जनता के द्वारा जनता की ऐसी वैसी, इसको तो कहते हैं भाई हम डेमोक्रेसी। अगली सवाल, आपका पार्टी जनता के लिए क्या किया है? कंबल योजना नेताजी, ये तो आप ढंग से बता दो। कंबल योजना जनता के लिए? कंबल योजना नहीं भाई, जानवर के लिए, गाय भैंसों के लिए। पर वोट जनता से लेते हो भाई? उनको जानवरों को भाई, उनको ठंड लगती है, ठंड में मर जाते, वो मर जाएंगे तो दूध कहां से मिलेगा? हाँ ठीक है, तो अब बताइए पिछले साल जो गांव में एक आग लगी थी उसमें आपका क्या संभावना है? भाई सुनो, जो आग में घायल हो गए थे उनको शमशान घाट पहुंचा दिया जाए, और जो मर गए उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। साइंटिस्ट अभी भी जारी है, सर्वे चल रहा है, कोई चिंता खराब नहीं है। और जो मर गए उनको पता चल गया, और जो घायल है उनको इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। वाह भाई वाह, नेताजी आपको तारीफ करना पड़ेगा। तो अब बताइए आपका पार्टी का चिन्ह क्या है? भाई चूते ये क्या नेताजी? तो नेताजी अब बताइए आप अपना पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हमारा पार्टी का संदेश है, चलो पकड़ो। तो भाई सुनो, हमारा पार्टी का संदेश यह है कि भारी बहुमत से हमको विजय बनाओ भाइयों, भारी बहुमत से हमको विजय बनाओ, जो दारू से ना माने उनको कॉफी पिलाओ। कॉफी पिलाओ सीए ना सच बेटी। तो नेताजी अब बताइए अगले कुछ दिनों से, पहले कुछ दिनों से जो महंगाई बढ़ी है उसका क्या कारण हो सकती है? क्या कारण हो सकती है? सच बात बताना नेताजी, हमने जो घोटाला किया है उसमें उसका भांडा फूट जाएगा। तो क्या करें? बात बता दो भाई, इतने देर से पका रहे हो, यहाँ डीजे नहीं लगा सकते क्या? नेताजी ये स्टूडियो है, थोड़ी ना ये बाहर क्लब है, जो हम डीजे लगा दे। तुम्हारा मोबाइल दो। क्यों मोबाइल दो ना? क्यों नेताजी? हमारा हमारा डार्लिंग रामपति को कॉल करना है। लीजिए। वाह भाई वाह, क्या तस्वीर है। अच्छा भाई तू भी आजा, ऐसे नहीं देखते। हेलो हेलो रामपति, जो भी कैमरा है मेरे सामने लगी है, तस्वीर आ रहे हैं ना? अरे भाई ये तो मेरी वाइफ का नंबर है। हेलो हेलो, सॉरी डार्लिंग कोई गधा है। अरे गधा नहीं बोलता अगर बतमीज प्यारे दर्शकों, आप सभी को ये इंटरव्यू कार्यक्रम दिखाने का मतलब एंटरटेनमेंट करने का कोई इरादा नहीं है। आप सभी का मतदान को जागृत करना हमारा मूल लक्ष्य है। आपका एक वोट, आपका एक वोट देश, राज्य, क्षेत्र
देश की भाग्य बदल सकती है। इसीलिए उसे जीते जो पढ़े लिखे हो, अनुभवी हो, क्योंकि ये हमारा देश का सवाल है। थैंक यू भाई। हमारे एग्जाम में जाएंगे आप हमारे कुछ तो मंत्री भी कहते हैं काफी।